reaching the 100 test milestone on 24th. आपसे ये पूछना था कि ये पूरी जर्नी ऑफ 100 टेस्ट में व्हिच वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू पर यू रियली यू थिंक रियली चेंज्ड योर करियर और डिफाइंड योर करियर फॉर द बेटर. ऐसा तो कोई मैं हाईलाइट बोल नहीं सकता क्योंकि 14 साल का अगर आपका करियर होता है और ऑब्वियसली आप अभी मैं खेल रहा हूँ तो आगे जाता रहेगा, बट ये कहना बहुत मुश्किल है कि सिर्फ एक मोमेंट में अपना करियर का हाईलाइट करके बताऊँ कि जिसने मुझे चेंज किया होगा. मेरे ख्याल से कि अगर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हर एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में टाइम आता है कि वो कभी भी ग्राफ एकदम से ऊपर नहीं जाता, हमेशा ऊपर नीचे रहता है, तो मेरे साथ भी सेम हुआ, ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया ऊपर. तो मैं कुछ एक चीज़ को लेके पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि इस चीज़ की वजह से मेरा ग्राफ ऊपर गया, इस चीज़ की वजह से मेरा ग्राफ नीचे गया. अरे किसी और को और क्वेश्चन भी तो पूछना हो सकता है. हाँ. अच्छा लाइन है ना. ओके यस गौरव गुप्ता. ईशांत कैन यू हियर मी? यस यस Yes, congratulations on your 100 test match. Ishant, अगर मैं पूछूं तो ये है जो Lords test match आपको याद है जो 7 for 74 आपने लिए थे, एक match winning spell डाला था, तो ये एक सुनहरी यादगार है आपके you know very storied career की. और आपने 2008 में ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आई थी तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कुछ मेरे ख्याल से 15-16 विकेट ली थी सीरीज में. और जो रिकी पॉन्टिंग का स्पेल आपने डाला, जो रिकी पॉन्टिंग को 2008 में पर्थ में, ये तीन आपके लिए मेन यादगारें रहेंगी आपके लिए, जो मतलब कुछ बता सकते हैं हमारे को इफ यू कैन वॉक अस थ्रू दैट कि मतलब आपको क्या याद है इन चीजों का, इन मेमोरीज का. सर उस टाइम पे जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि जब मैं 2007-8 में ऑस्ट्रेलिया गया उस टाइम तो मैं यंगस्टर था, तो मैं सिर्फ बॉलिंग करता था, कुछ ज़्यादा सोचता नहीं था किधर करनी है किधर नहीं करनी. जस्ट एक जैसे हम डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं कि आपने एक एरिया पकड़ा हुआ, उस एरिया पर आप लगातार बॉलिंग करते हो. तो जब आप धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तब आप लेंथ के बारे में, कंडीशंस के बारे में, सिचुएशंस के बारे में जानते हो, तो उसके हिसाब से आप धीरे धीरे करके मैंने अपनी बॉलिंग चेंज करी. मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल पॉइंट तो मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, बट ऑब्वियसली कि सिचुएशन देख के या कंडीशन देख के आप अपनी लाइन और लेंथ चेंज करते हो. और ऑब्वियसली कि जब लॉर्ड्स का जो टेस्ट मैच था उसमें जस्ट ऐसा कुछ खास नहीं था. सी मैं हमेशा से खेलता आया हूँ सिर्फ एक मोटिव से कि मेरे को अपनी टीम को कैसे जिताना है, और मेरा वही मोटिव है और जब तक मैं खेलता रहूँगा वही मेरा, मतलब मेरे को जो अभी मोटिवेशन देता है वो ही है कि मेरे को अपनी टीम को जिताना है. ठीक है आपका पर्सनल माइंडस्टोन है कि जब आप एंड ऑफ योर करियर होंगे, जब आप छोड़ने वाले होंगे तब आप वो देख सकते हैं, बट ये सब चीज़ें टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इट जस्ट अ नंबर्स फॉर मी. आई डोंट प्ले फॉर नंबर्स, आई जस्ट प्ले टू विन. किसी भी तरीके से मैं अपनी टीम को मैच जिता सकूँ, वो इम्पैक्टफुल प्लेयर रहूँ, कि मैं टफ सिचुएशंस में आके अपनी टीम को कैसे उस सिचुएशन से निकाल सकता हूँ, तो मेरा बस एक वही मोटिवेशन रहता है कि किस तरीके से मेरे को अपनी टीम को वो टफ सिचुएशन से निकालनी है, अगर पार्टनरशिप होनी है तो कैसे उसको ब्रेक करना है. तो यही मेरा ध्यान रहता है और ये इसी चीज़ पे मैं ध्यान देता हूँ. ये पूछना चाहूँगा कि आजकल क्रिकेट जो इतना बढ़ गया है, तीनों फॉर्मेट्स है, लीग्स है, तो प्लेयर का फिट रहना, वहां पे आप देखते हो कि मतलब ये जो 100 टेस्ट मैच जो आपने पार किया है, कभी कभी आपको लगता है कि बुरा लगता होगा कि व्हाइट बॉल एक टाइम के बाद सडनली आपको कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद आप ना तो रीडिस्कवर कर पाए, आप ज्यादा वर्क कर पाए, काउंटी गए सीखे, तो वॉज दैट इंस्ट्रूमेंटल कि ये 100 टेस्ट का जो जर्नी है, नहीं तो बहुत सारा शायद व्हाइट बॉल मैचेस भी रहता, आईपीएल का एक दो सीजन जो नहीं रहा, शायद एक 100 टेस्ट मैच में हेल्प किया, ब्लेसिंग इन डिसगाइज. सर जनरली मैं इसी तरीके से सोचता हूँ कि ये ब्लेसिंग डिसगाइज है. ऑब्वियसली आई लव टू प्ले वाइट बॉल क्रिकेट, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेलना चाहता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन के करियर में वो उसका काम ही सिर्फ खेलना होता है, अगर वो खेलेगा नहीं तो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्रेनिंग कर सकता है. बट मैं उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि अगर मैं वन डे क्रिकेट नहीं खेल रहा तो इट्स नॉट, इट शुडेंट अफेक्ट माई टेस्ट क्रिकेट. एटलीस्ट मैं वन फॉर्मेट तो खेल रहा हूँ, सो शुड बी ग्रेटफुल अबाउट दैट. तो मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि जो फॉर्मेट में खेल रहा हूँ मैं उसके में अगर ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाऊँ और अपनी टीम को जिता पाऊँ तो वो मेरे लिए अच्छा है.
तो मैं इसी तरीके से सोचता हूँ कि अगर कोई भी टफ सिचुएशन होती है, कुछ भी होती है, अगर आप पॉजिटिव वे में उसको सोचते हो तो ज़्यादा बेटर और इजी होता है आपके लिए कि आप उस फॉर्मेट को ग्रेटफुल रह के अगर आप परफॉर्म कर पाओ। और मे भी हो सकता है कि इस वजह से मैं 100 टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता नहीं कि अगर मैं तीनों फॉर्मेट खेलता तो अपने 100 टेस्ट मैच नहीं कर पाता, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी मैं 32 साल का हूँ। मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं सर 42 साल का हूँ, तो अब ऐसा लगता नहीं है कि अगर मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलता तो अपने 100 टेस्ट मैच नहीं कर पाता। मे बी इतनी जल्दी नहीं कर पाता तो थोड़ा लेट कर पाता, बट आई एम श्योर दैट कि जितने लंबे टाइम से मैं खेल रहा हूँ और जिस तरीके से मेरी फिटनेस है, टच वुड की मैं अपनी ट्रेनिंग पे और अपनी बॉडी पे काफ़ी ध्यान देता हूँ, चाहे वो रिकवरी हो, ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, सो आई डोंट थिंक सो आई इट शुड हैव बीन एनी प्रॉब्लम फॉर मी। Ishant, hi and congratulations. Ishant, you started in Bangladesh when Rahul Dravid was the captain. इतने सारे इस सालों से इतना बड़े-बड़े कैप्टन के अंडर आपने खेले हैं. So from a bowler's perspective, who is the captain who understood you the most? सर ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है कि हु अंडरस्टैंड्स मी द मोस्ट। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड मी रियली रियली वेल। आई थिंक कि कैप्टन को मुझे समझने से ज़्यादा बेटर है कि मैं कैप्टन को कैसे समझता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन को मुझसे क्या चाहिए। तो अगर वो कम्युनिकेशन एक बारी क्लियर हो जाता है तो चीज़ें आपके लिए टीम में काफ़ी ईजी हो जाती हैं। तो वो जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो फील्ड में, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस पे या किसी भी तरीके से बात करते हो, तो उसके बारे में आपको पता चल जाता है और वो चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं आपके लिए। तो मेरे ख्याल से कि कैप्टन को मुझे समझने से अच्छा कि अगर मैं कैप्टन को समझूंगा तो चीज़ें काफ़ी इजी हुई है मेरे लिए। बेसिकली लाइक व्हाट विल यू कॉल एज द हाई पॉइंट ऑफ योर कैरियर एंड व्हाट विल यू कॉल एज योर लो पॉइंट ऑफ योर कैरियर एंड व्हाट डिड दिस टू फेजेस ऑफ योर कैरियर टीच यू? सर ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से कि आप बाहर से ही बता सकते हो कि मेरी ज़िंदगी में कौन सा लो फेज रहा है और हाई फेज रहा है। मैं तो सेम ही था, जैसे भी अभी मैं क्रिकेट इन्जॉय करता हूँ जैसे पहले करता था। दैट्स व्हाई आई एम प्लेइंग दिस स्पोर्ट, बिकॉज आई लव दिस स्पोर्ट। इट्स नॉट कि मैं अपने आप को ये सोचूं कि क्या मेरे लिए हाई चीज़ थी और क्या लो फेज में मैं गया। मैं जब इंजॉय करने को देखता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक ही मोटिव होता है कि टीम को कैसे जिताना। अगर मैं इतना सब एनालाइज करता तो मैं खेल नहीं पाता मेरे को लगता है। हाय ईशान, कांग्रेस ऑन द माइलस्टोन। जस्ट वांटेड टू नो, वाज इट अ बिट फ्रस्ट्रेटिंग ये जो आपके 100 टेस्ट का जो वेट था, यू नो विद इंजरीज एंड देन? सर माइक में बोल रहे हो क्या? क्या आंसर करूं क्वेश्चन तो पूछने दे भाई। वो क्वेश्चन था कि वाज इट फ्रस्ट्रेटिंग द वेट फॉर योर 100 टेस्ट? अच्छा नहीं सर, आई थिंक ऑब्वियसली यू नो सी आई लव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड कंप्लीटेड माय 100 टेस्ट मैच देयर, बट कई चीज़ ऐसी होती है कि वो आपके हाथ में नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड हैपन, दिस हैपन, दैट हैपन, उसकी वजह से मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया। तो बट आप जितनी जल्दी चीज़ों को भूल के मूव ऑन होंगे लाइफ में, उतना ज़्यादा चीज़ें सिंपल रहती है। ये मैंने अभी तक अपने करियर में जो सबसे ज़्यादा सीखा है वो ये है कि अगर आप भूल के आगे जाओगे तो उतना ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तो अगर आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस पे अटके रहोगे या पास्ट चीज़ों पे अटके रहोगे तो आप आगे मूव ऑन नहीं हो सकते, और जो अगला मैच है वो भी आपकी पास्ट परफॉर्मेंस या पास्ट मैच के हिसाब से इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ उसको भूलूँ, आगे बढ़ूँ, और जो भी अगली सीरीज आ रही है या अगला मैच आ रहा है उस पर ध्यान दूँ। Ishant, congratulations on your 100th test match. My question is, since 2018, calendar year 2018, you have taken 76 wickets in 20 test matches at 19.90 or something. Which aspect of the skill set were you able to improve so good that you know you're able to come out with a wonderful performance? सर नथिंग, आई थिंक आई जस्ट प्लेड टू मैनी टेस्ट मैचेज एंड यू नो वी जस्ट प्लेड आउटसाइड इंडिया, दैट्स वाई मे बी यू कैन से दैट आई जस्ट टेकन ऑल दिस विकेट्स। क्योंकि इंडिया में अगर आप बोलिंग करोगे नहीं तो आप विकेट कैसे लोगे, राइट? तो मैं इंडिया में, क्योंकि स्पिनर्स
ज़्यादा उस पर रहते हैं, बॉलिंग करते हैं तो ऑब्वियसली वो लेते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो स्पिनर्स का रोल डिफरेंट होता है, इंडिया में फास्ट बॉलर्स का रोल डिफरेंट होता है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका रोल किस कंडीशन में कैसा होता है। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टेस्ट मैचेज इन लास्ट 2 ईयर्स वी प्लेड आउटसाइड, सो आई बोल्ड अ लॉट, सो आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट टुक विकेट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स व्हाट आई फील। कॉमरेड सर, आप यू सेड दैट यू आर स्टिल 32 एंड जब से फॉर अ फास्ट बॉलर आई एम श्योर दैट लैंडमार्क हैज ऑलवेज बीन देयर इज नो वन अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट कपिल देव हु प्लेड 100 टेस्ट मैचेस, सो वन इज कब ऐसा हुआ एक्चुअली कि यस आई कैन डू दैट, और दूसरा नाउ दैट यू ओनली आर सेइंग यू आर स्टिल 32, टाइम बहुत है, वो अगला 131 क्रॉस करना कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है? नहीं सर, 131 में तो बहुत टाइम है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। अभी अगला मैच जो है वो जीते, मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है इस टाइम कि हम कैसे ये सीरीज जीते और क्वालिफाई हो टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए, क्योंकि मेरे को अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास एक ही फॉर्मेट है खेलने के लिए और यही मेरे लिए एक वर्ल्ड कप की तरह है, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप इज़ लाइक अ वर्ल्ड कप फॉर मी। तो अगर मैं ये टेस्ट चैम्पियनशिप के अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं और जीतते हैं, तो आई थिंक आई हैव अ सेम फीलिंग कि जैसा आप आईसीसी का वर्ल्ड कप जीतते हो या चैम्पियंस ट्रॉफी जीतते हो। निशांत, क्या जो आपका डेब्यू जो था उसके पहले वाली इवनिंग को या उसकी मॉर्निंग को क्या हो रहा था आप थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं, और वो जो इमोशन था और अभी 100 टेस्ट का जो एक इमोशन है वो कितना कितना डिफरेंट है, कितने रेडी, क्या आपको डिफरेंस लग रहा है, और वो पहले दिन का कुछ रिकॉल कर सकते हैं, पहली शाम को किसने बताया कि आप मैच खेलेंगे, मैच की सुबह क्या हो रहा था? हाँ, लकी चीज़ ये है कि उस टाइम पे रवि सर मैनेजर थे, तो और अभी भी मेरे शॉर्टेस्ट में ही इज़ अ कोच, तो एक चीज़ तो वो है। और उन्होंने मेरे को उस टाइम बोला था ऑब्वियसली कि मैं नर्वस था, बहुत सारा क्राउड था, सो ऑब्वियसली, बट वंस यू आर इन द ग्राउंड यू डोंट रियली थिंक अबाउट द क्राउड, यू जस्ट थिंक अबाउट योर बॉलिंग। आई वॉज वेरी नर्वस कि मेरे हाथों में पसीना था क्योंकि मेरे को बॉलिंग करनी थी, और ऑब्वियसली कि एज अ यंगस्टर यू नो कि पहली बार जब आप घुसते हो ड्रेसिंग रूम में, उसके बाद आप ये देखते हो कि आप इतने बड़े स्टार्स के साथ जब अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, वो ही एक डिफरेंट फीलिंग होती है। तो पहले तो मैं उससे निकला, उसके बाद में मैं मैच खेला, और कंपैरिजन टू 100 टेस्ट मैच अभी तो सर इट्स जस्ट अ नंबर फॉर मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डोंट रियली थिंक अबाउट दैट आई प्लेड 100 और आई एम गोना प्ले 100 और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। मैं अब सिर्फ एक मैच के हिसाब से जाता हूँ, जैसे मैं अपना 99th मैच खेला था, सेम फीलिंग, सेम इंटेंट, सेम एग्रेसिवनेस के साथ मैं अपना 100 टेस्ट मैच खेलूँगा, और जब तक वो इंटेंट और एग्रेसिवनेस मेरी बॉलिंग में और दिखता रहेगा, तब तक मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा खेलना भी। निशांत, तो बहुत बहुत बधाई आपके शुरुआती टेस्ट मैच से, मैंने आपको बहुत देखा, कवर किया है, और आपने अभी कहा कि मुझे बहुत उतना याद नहीं है हाई पॉइंट लो पॉइंट, लेकिन मुझे याद है आपने बैंगलोर में पाकिस्तान के अगेंस्ट में पहला 5 विकेट हॉल लिया था, लेकिन वो मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन फिर सिडनी में बहुत अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ था, लेकिन पर्थ में आपने जो वो स्पेल डाली थी जिसमें पहले पोंटिंग को फिर माइकल क्लार्क को आपने आउट किया था बहुत अच्छी गेंद पर, वहाँ इंडिया भी जीती भी थी, और तब आपकी बहुत तारीफ हुई थी, और फिर आपको तब वो याद आ रहा है कि उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ अब मैं इंडिया में मतलब लंबे समय तक खेल सकता हूँ, जिस तरह से कॉन्फिडेंस आता है एक बॉलर में इतनी अच्छे स्पेल के बाद, इतनी अच्छी बॉलिंग के बाद, जिस तरह से? सर ऑब्वियसली कि जब आपको प्रेज मिलती है, क्योंकि उस टाइम भी आप देख सकते हो कि वो मेरा चौथा ही टेस्ट मैच था, ऐसा नहीं था कि वो मेरा 10वां या 12वां टेस्ट मैच था, वो मेरा चौथा टेस्ट मैच था। उस टाइम मैं सिर्फ क्रिकेट इन्जॉय करने को देखता था, जो एरियाज में मेरे को बॉलिंग करने के लिए कहा जाता था मैं सिर्फ वो करता था, और मैं इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करता था, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमने यही सीखा कि अगर आप एक एरियाज में बॉलिंग करते रहेंगे तो आप ज़्यादा बैट्समैन को ट्रेवल करेंगे, और वही काम मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अगर आप उसी एरियाज में बॉलिंग करते रहेंगे, तो जिस हिसाब से मुझे प्रेज मिली वहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको लोग जानने लगते हैं कि आपने एक
अच्छे बैट्समैन को ट्रबल किया और ये सब किया, बट उसके बाद अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ अपने करियर को, तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे कितने सारे स्पेल डाले हैं कि जो आज तक मेरे को लगता है कि पता ही नहीं चला किसी को कि मैंने स्पेल भी डाले हैं। तो वो एक टाइम होता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप यंगस्टर होते हो, अगर आप एक इस्टेब्लिश बैट्समैन को ट्रबल करते हो, तो वो एक हाईलाइट बन जाती है। बट जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हो और जब आप वो स्पेल डालते रहते हो, तो आप इतने हाईलाइट नहीं होते, क्योंकि अनलेस अनटिल आप 5 विकेट ले रहे हो या मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो वो वैसे स्पेल आपके बार बार हाईलाइट नहीं होते, क्योंकि आप एक इस्टेब्लिश क्रिकेटर हो जाते हो। तो उसके बाद में जो आपके जो काउंट होता है वो नंबर्स काउंट होते हैं इस्टेब्लिश होने के बाद। तो वो जो एक डिफरेंस है वो बहुत मेजर डिफरेंस है। तो आपके ऊपर प्रेशर आना ही तब स्टार्ट होता है जब आप एक इस्टेब्लिश क्रिकेटर हो जाते हो। तो वो जो मेरे को लगता है कि एक बहुत अलग चीज़ है, वो धीरे धीरे हर कोई यंगस्टर सीखता है। Okay, Ishant, you were telling us that in India the roles of spinners are different. I mean, outside India the pacers do take more responsibility. So for this particular test match, since this is a ping pong test, do you think pacers will come to play in more? उनका उनका रोल ज्यादा रहेगा और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहेगा, क्योंकि पिंग बॉल डज हेल्प पेसर्स पर्टिकुलर इन द टाइम ऑफ ट्वाइलाइट। सर वो तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। यस, व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश, उस टाइम जब हमने स्टार्ट किया था, वो पहला टेस्ट मैच था, तो हमने जब लेंथ मेरे को भी तीसरे ओवर के बाद पता चली थी, क्योंकि जो नॉर्मल आप टेस्ट मैच में लेंथ डालते हो उससे आपको थोड़ा सा शॉर्ट डालना पड़ता है इसमें बॉल मूव कराने के लिए। तो अभी यहाँ पे कैसी विकेट होगी और वो कैसा खेलते हैं, ऑब्वियसली अंडर लाइट्स बॉल स्विंग होता है, बट ड्यू का भी फैक्टर होगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी कि यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे ये नहीं कह सकते कि फास्ट बॉलर्स गेम में रहेंगे या स्पिनर्स गेम में रहेंगे। तो मेरे को लगता है कि सेशन वाइज यहाँ पे गेम चेंज होगा, और सेशन वाइज हर एक बॉलर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि क्या पता यहाँ पे शुरू में बॉल टर्न होने लग जाए, तो पहले 2 सेशन में स्पिनर्स प्ले में आ जाएं, बट उसके बाद में क्या जब अंडर लाइट्स ड्यू हो गई बॉल, बट स्विंग नहीं हो रहा, बट फिर भी स्किट होके बैट पे आ रहा है, स्पिनर्स गेम में नहीं है तो फास्ट बॉलर्स गेम में आएंगे। तो वो सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके की सिचुएशन है और बॉल और विकेट कैसी बिहेव कर रही है उस टाइम पे।